नहीं भाई साहब, नोटबंदी से तो हर बिजनेस फ्लॉप है एकदम, समझ लीजिए बिजनेस खराब हो गया था। नोटबंदी जीएसटी, नोटबंदी जीएसटी, नोटबंदी जीएसटी एकदम, हम लोग सड़क पे आ गए, हम व्यापारी हैं, मंडल से हैं, हाँ एकदम खत्म पे है, एकदम बिजनेस एकदम समझ लीजिए हमारे लोग एकदम फ्लॉप चल रहा है। जीएसटी से फायदा नहीं हुआ व्यापारी को, कुछ भी नहीं फायदा है। जीएसटी, जीएसटी इतनी ज्यादा लग गई, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, गरीब आदमी कैसे जिएगा। जीएसटी में अभी कम करना चाहिए, जो इतने बड़े स्लैब 18% 28% ये सब कम करना, कुल कम करना चाहिए। लोहे पर 28% है, बताइए गरीब आदमी कैसे व्यापार कर, कैसे क्या क्या खरीदेगा बताइए। हमारा अलमारी का बक्से का काम है। अच्छा अच्छा अच्छा, 2019 में मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी सरकार के इन 4 सालों के आप कैसे देखते हैं, क्या पास या फेल? मोदी सरकार के 4 सालों में भ्रष्ट सरकार है, समस्याएं समस्याएं हैं, समस्याएं हैं। लोग कारोबार में एकदम फेल होते जा रहे हैं, कारोबार में एकदम उनका सुन ले कि जीरो पे आ गए, जो 100% से जीरो पे आ गए। आपको लगता है जीएसटी और नोटबंदी में फेल हुआ है, अच्छा पास नहीं हुआ ना? जीएसटी नोटबंदी में हिंदुस्तान है, यहाँ पे जो है 80% 90% लोग जाहिल है, अमरीका थोड़ी है, वहाँ पे 100% लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ पे 80% लोग जाहिल है, 20% जीएसटी या वो सब एटीएम कहाँ सब झेल पाएंगे। जाहिल की किल्लत अब भी बनी है, बिल्कुल किल्लत बनी हुई है कैश की, बैंकों में पैसा जहाँ पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा, दो अपना ही पैसा मतलब लेने के लिए दुनिया के मतलब आदमी जो है मतलब परेशान है, मुसीबत झेल रहा है, लाइनों में लगा। हाँ सही, तो 2019 में एक बार फिर क्या मोदी सरकार या राहुल गांधी? राहुल सरकार। पूरा मोदी का बना है, कुछ नहीं बना है मोदी यहाँ, 4 साल में खुशना है, कुछ 4 साल में कुछ नहीं खुशना है। 2019 में राहुल गांधी मोदी कुछ नहीं बनाया मोदी यहाँ पे, राहुल गांधी राहुल। मुसलमान को धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, उनको इज्जत चाहिए, इज्जत दो हमें बात, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ना धन ना दौलत ना कुर्सी मुझे। अच्छा, आपको लगता है कि जो ये बार बार होता रहा है कि मुसलमान ये पाकिस्तानी है पाकिस्तानी, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, एकदम सही आपको भी लगता है? हाँ, हम लोग पाकिस्तानी नहीं है, हम लोग हिंदुस्तान के लिए जान देते हैं, एक बाप तीन तीन औलाद की सर अपनी थाली में कटाया है, यही हिंदुस्तान में मुसलमानों ने। नहीं नहीं, अच्छी, हम गद्दार होते तो आज हमको काफिर नहीं, वहाँ के लोग हमें गद्दार कहते हैं। अगर वफादारी हिंदुस्तान से नहीं होती, वीर अब्दुल हमीद ने अकेले पूरे टाइम को उड़ा दिया था, इसीलिए मुसलमान को वहाँ के लोग गद्दार कहते हैं, लेकिन हम गद्दार नहीं है, मुसलमान अपने हिंदुस्तान के लिए एक एक खून खून से हिंदुस्तान लिख देंगे, जरूरत पड़ी तो इस्लाम लिख देंगे, अगर मेरी मातृभूमि पे किसी ने बुरी नजर डाला तो उसके नाम कब्रिस्तान लिख देंगे।